हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ अश्विनी मिश्रा। और आज जो नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, कॉनिक सेक्शन। कॉनिक सेक्शन का पहला जो पार्ट आता है सर्किल होता है। सर्किल की अगर बात किया जाए तो सर्किल के विषय में जो डिफाइन किया जाता है, कहते हैं इट इज लोकस ऑफ दैट पॉइंट्स, इट इज लोकस ऑफ दैट पॉइंट्स व्हिच हैज फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट। इस फिक्स पॉइंट को हम सेंटर कहते हैं और इस फिक्स डिस्टेंस को रेडियस कहा जाता है। तो सेंटर उन सर्किल जो है उन बिंदुओं का बिंदुपथ है जो किसी फिक्स पॉइंट से फिक्स दूरी पे होते हैं। फिक्स पॉइंट को सेंटर कहा जाता है और फिक्स डिस्टेंस को रेडियस कहा जाता है। क्योंकि यहाँ कॉनिक सेक्शन की बात हो रही है तो वहाँ पे इक्वेशन की बात होगी। तो पहला इक्वेशन जो सर्किल का आता है वो होता है सेंटर 0 0, रेडियस अगर ए है तो इक्वेशन ऑफ सर्किल बनेगा जा करके एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। और यहीं पे सेकेंड इक्वेशन बनता है जा करके कि सेंटर अगर एच के है, रेडियस अगर ए है तो ये हो जाएगा एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर पर वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो ये दो टाइप के मेरे लिए इक्वेशन होंगे। एक हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर पर वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, दूसरा हो जाएगा एच के एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर पर वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। जब इससे रिलेटेड होगा, मतलब सेंटर रेडियस दी है तो ये फार्मूला हमारा लगेगा जा करके। और जब एच के दिया हुआ है, मतलब सेंटर के से अदर अगर हमारा सेंटर है, ओरिजिन नहीं है और कुछ है, तो हमारा ये हो जाएगा। एक सिंपल एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लीजिए ये कहा जाए कि सेंटर 0 0 है और रेडियस अगर 5 यूनिट है तो इक्वेशन हो जाएगी जा करके एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर, दैट इज 25। अब अगर यहीं पे एक सेकेंड चीज देखा जाए, मान लीजिए इसकी बात किया जाए, सेंटर मान लीजिए रेडियस कुछ भी मान लीजिए 4 है, तो यहां पे इक्वेशन हो जाएगा जा करके तो इस तरीके से सीधे फार्मूले को अप्लाई करेंगे। एक हो गया हमारा सेंटर 0 0 था, रेडियस 5, तो ये इक्वेशन बना। दूसरा सेंटर हमारा 5 3 था, रेडियस 4 था, तो ये इक्वेशन जाके बना। अब इसको ये ओपन कर लेंगे, चाहे इसी फॉर्म में लिख दें कोई दिक्कत नहीं है, ओपन कर देंगे तो हमें प्रॉपर इक्वेशन यहाँ पे मिल जाएगा। तो स्टूडेंट दो चीज़ें हम लोगों ने देखी। एक इक्वेशन तब आया था जब सेंटर 0 0 था और रेडियस हमारी ये थी, दूसरा था सेंटर एच के और रेडियस ये थी। एक चीज़ और आती है, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल, मतलब सेकेंड डिग्री का इक्वेशन जो हमारा सर्किल रिप्रेजेंट करेगा वो जनरल इक्वेशन होता है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। अगर ऐसा फॉर्म होगा तो सेंटर हमारा हो जाएगा माइनस जी कामा माइनस एफ, और ऐसे केस में रेडियस हमारी हो जाएगी अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। इस इक्वेशन की खासियत क्या होगी? इस इक्वेशन की सिर्फ एक खासियत है कि एक्स और वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट सेम है और 1 1 है, प्लस वन इसका भी है प्लस वन इसका है, मतलब दोनों सेम है और 1 1 है। ये इक्वेशन की खासियत है। उसके बाद जो 2x का कोएफिशिएंट विद साइन ऑफ जी है, 2y का जो कोएफिशिएंट है वो f है, और रिमेनिंग xy से जो बचा वो हमारा c है। तो फिर से सुन लीजिए क्या पहचान है।
जनरल इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पर टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। इसकी खासियत क्या है कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट सेम है और वन प्लस वन है। जब ऐसा होगा तो 2x का कोएफिशिएंट जो भी साइन और जी है, 2y का कोएफिशिएंट भी साइन जो है एफ है, और रिमेनिंग जितना बचा वो सी है। तो सेंटर हमारा माइनस जी माइनस एफ हो जाएगा, रेडियस हमारा अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी के बराबर हो जाएगी। एक एग्जांपल देखते हैं। अब अगर इक्वेशन हमारा ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस सिक्स वाई माइनस एट इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पे सीधे ही हमारा फॉर्म बना हुआ है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दोनों कोएफिशिएंट वन वन है, तो आगे सीधे डिसाइड हो जाएगा जी की वैल्यू टू के बराबर, एफ की वैल्यू माइनस थ्री के बराबर और सी की वैल्यू माइनस एट के बराबर। तो सेंटर हमारा क्या हो जाएगा, और यही अगर रेडियस की बात किया जाएगा तो इस तरीके से अप्लाई करेंगे कि यहाँ पे जी एफ सी हो गया, यहाँ सेंटर हमारा माइनस टू कहाँ थ्री हो जाएगा, और रेडियस जो हमारी आ जाएगी वो रूट 21 यूनिट के बराबर आ जाएगी। तो अगर इस तरीके होगा, यहाँ एक तरीके से और कर सकते थे जैसे अभी हम लोगों ने पीछे जो इक्वेशन पढ़े, तो इसको चाहे परफेक्ट स्क्वायर बना लेते तब भी वही चीज़ निकल के आती, और चाहे इसको हम यहाँ पे सीधे अप्लाई कर सकते तो यहाँ से ज़्यादा वर्कआउट नहीं होगा, सीधे जी एफ सी और वहाँ सीधे सेंटर हमारा आ जाएगा, वहीं से सीधे हमारी रेडियस निकल के आ जाएगी। तो इस तरीके से हम अगर ऐसा फॉर्म होगा तो सीधे यहाँ पे अप्लाई कर लेते हैं। एक चीज़ और देखते हैं, ऐसा भी केस आ सकता है कि जैसे यहाँ पे मान लीजिए यहाँ तो सीधे बना हुआ है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कोएफिशिएंट दोनों के सेम है और वन वन है, लेकिन अगर क्वेश्चन कुछ ऐसा हो गया अगर ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 5 बाई 2x प्लस 6y प्लस 2 इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पे अब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर सेम तो है लेकिन 1 नहीं है, तो पहले इसको बनाएंगे तो हम पहले इसको डिवाइड कर लेंगे, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 5 बाई 4x प्लस 3y प्लस 1 इक्वल टू जीरो। अब हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, यहाँ सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, जी की वैल्यू आ जाएगी माइनस 5 बाई 8, एफ की वैल्यू आ जाएगी 3 बाई 2 और सी की वैल्यू 1 के बराबर आ जाएगी। तो यहाँ से सेंटर हमारा आ जाएगा 5 बाई 8 कामा माइनस 3 बाई 2, क्योंकि सेंटर हमारा होता है माइनस जी कामा माइनस एफ, तो यहाँ क्योंकि माइनस वैल्यू तो प्लस हो जाएगी, यहाँ प्लस वैल्यू तो वाली माइनस हो जाएगी, और यहाँ से अगर रेडियस हम निकाल लेंगे तो ये हमारी रेडियस हो जाएगी, जिसको पूरा सिंप्लीफाई करके हमें यहाँ पे इतने यूनिट इतने यूनिट आ जाएगा। तो ये चीज़ यहाँ ध्यान देना होगा, पहले वाले में स्टैंडर्ड था तो हमने वो निकाल लिया, यहाँ पे
इक्वल का तो था, सर्किल था, लेकिन यहाँ पे वन नहीं था, तो वहाँ से जी एफ सी नहीं डिसाइड हो सकते थे। तो पहले टू टू था, उससे हमने डिवाइड कर लिया, ये बना लिया। अब इसके बाद यहाँ पे सेंटर और इसके बाद यहाँ पे रेडियस हमने निकाल लिया। तो इस तरीके से अप्लाई, तो इस यहाँ पे लोगों ने क्या सीखा, पहले स्टैंडर्ड इक्वेशन जो होता है वहाँ पे, अगर इस तरीके से दिया है तो चाहे पहले परफेक्ट स्क्वायर बना के करिए या सीधे यहाँ पर इसको अप्लाई कर लीजिए, तो फुली वैलिड मैथड है और पूरी तरीके से वैलिड है, और इसको सीधे हम यहाँ पर कैलकुलेट भी कर सकते हैं। थैंक यू।